उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं एक योगी जी, योगी जी मंच नहीं, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए एक आदरणीय योगी जी और दिल्ली में बैठे हुए एक आदरणीय योगी जी और दोनों के दोनों हैं सबसे बड़े ढोंगी जी, क्योंकि मोदी जी तो विश्व के नेताओं के साथ मिलने के शहर में होते हैं। 5 साल में 84 देशों में गए हैं। मैंने कहा, उनसे निवेदन किया कि बहुत देखा आपने लंदन को, बर्लिन को, टोक्यो को, कब देखोगे आप मेरे देश के किसान को? आज किसान पता नहीं, यहां कहा था उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, सरकार मेरी बना दो, 14 दिन में मैं पेमेंट दे दूंगा, 10,000 करोड़ बकाया है पिछले वर्ष से, खाद खरीदने जाओ तो जो खाद का कट्टा 400 रुपया में मिलता था, आज वो खाद का कट्टा 1400 रुपया में भी नहीं मिलता और 50 किलो की बोरी को अब 45 किलो ही तक सीमित करके छोड़ दिए। बोला था कि बिजली हम 100 रुपया में लेंगे, आज 150 रुपया से भी ज्यादा, और मोदी जी ने कहा था ना भाई और बहनों, लागत का दाम हम आधा करके देंगे और समर्थन मूल्य आपको दुगना करके देंगे। पुरानी हिंदी की कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। आज परीक्षा की समय आ चुकी है, यहां किसान परेशान, जिसके दम पर ये लोग सरकार में आए थे, आज उन्हीं का ये दमन करना है। नौजवान परेशान, रोजगार के अवसर नहीं, दलदल के ठोकरे मेरा नौजवान खा रहा है। माता और पिता निवेश करते हैं बच्चे के पढ़ाई में, ताकि उस नौजवान का भविष्य उनके वर्तमान और उनके अतीत से ज्यादा अच्छा हो पाए। कांग्रेस के शासनकाल में गाजियाबाद में इंडस्ट्री के समुद्र लग गए थे, एक एक औद्योगिक क्रांति हमने यहां लाई थी। पिछले 5 वर्षों में एक नया उद्योग लगाना दूर, जितने उद्योग भी गाजियाबाद में लगे थे वो सारे के सारे बंद हो गए, और औद्योगिकरण के नाम पर 2008 में किसानों की जमीन ली गई थी गाजियाबाद में। आज तक आपको जो भूमि अधिग्रहण विधेयक हमने संसद में पारित किया था, 4 गुना दाम आज तक उस जमीन की आपको नहीं मिली है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में मिलेगी, लगेगी, आप लोगों को अपने जमीन का उचित दाम हम लोग भी दिलवाएंगे। आज नौजवान दर्दर की ठोकरें खा रहा है। कहा था इन्होंने, हमारी सरकार आने दो, हम लाएंगे अफसरों का भंडार, लेकिन लेके आइए पान और पकौड़े की सरकार। और हमारे मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने तो करिश्मा कर दिया, युवा पकौड़े तले और बाबा लोग मंत्री बने। तो आज जो नौजवान भटक रहा है पूरे देश में, आज जो नौजवान बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में जो इश्तिहार निकला था 62 चपरासियों के पद के लिए, 93,000 आवेदन आए, जिसमें 3,500 पीएचडी के छात्र, 20,000 पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये इनका भारत है।
एक असहिष्णुता का भारत, एक महिला सशक्तिकरण नहीं लेकिन महिलाओं पर वार करने वाली सरकार, जिस सरकार के कार्यकाल में उन्नाव में एक भाजपा का विधायक महिला के साथ बलात्कार करे, अगर ऐसे लोगों को इस सरकार ने संरक्षण दिया तो इन्हें सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। मेरे भाइयों ने हिंदू धर्म की ये बात करते हैं, हमारी संस्कृति में लिखी गई है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। योगी जी की कथन कि महिलाओं में पुरुषों का गुण नहीं होना चाहिए नहीं तो वो रक्षक बन जाएंगे, अगर एक हिंदू महिला को छुआ तो 100 को हम छुएंगे, महिला सशक्तिकरण क्या, ये तो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली सरकार है जिसे उखाड़ के आपको फेंकना होगा। तो आज आपको तय करना है कि किस रास्ते पे आपको चलना है। एक है मोदी जी का मॉडल, वो अच्छे दिन वाला मॉडल, जिस मॉडल में गरीब परेशान, किसान त्रस्त, नौजवान बेरोजगार, पत्रकारों पर हमला, संविधान के संस्थानों पर अतिक्रमण, ये है इनका न्यू इंडिया का मॉडल। एक न्यू इंडिया का मॉडल जहां कहते हैं काला धन समाप्त करेंगे, नोटबंदी लागू कर दिया। मुझे अभी किसी मंच ने कहा, किसी ने मुझे, कि गाजियाबाद में कैंपा कोला का इंडस्ट्री लगी हुई है, वो कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार भी मुझे याद है, एक जमाने में जो लिखा गया था चलो कुछ तूफानी करते हैं, वही नोटबंदी में मोदी जी ने करके दिखा दिया। 125 करोड़ लोगों की जान गई है, 125 लोगों की जान गई है। मोदी जी ने कहा था कि गरीब चैन की नींद सोएगा और अमीर नींद की गोली खाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग लाइन में खड़े थे, क्या आप लोगों को एक भी अमीर लाइन में दिखा? नहीं, ना दिखा। मालूम है क्यों? क्योंकि सारे अमीर बैंक के पीछे के दरवाजे से घुसकर अपने काले को सफेद करने में लगे हुए थे। इनकी सरकार में मेहुल भाई, नीरव भाई, ये कैसा चौकीदार है जिसकी चौकीदारी में हजारों करोड़ भारत की सरकार के बैंकों की राशि लोग चोर के विदेश भाग जाते हैं और चौकीदार देखता ही रह जाता है। ये कैसी सरकार है जिसको कहती है कि चीन को लाल आग दिखाएंगे, पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं नवाज शरीफ जी के साथ। अरे अगर सीखना है तो मेरी नेत्री इंदिरा गांधी से सीखो, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके छोड़ दिए। आज आपको तय करना है कि जो राहुल जी की सोच है, राहुल जी की सोच, जिस सोच के अंदर यही एक नारा है कि जागो चौकीदार साहेब, तूफान आ रहा है, 125 करोड़ लोगों का तूफान आ रहा है, अब आपके अच्छे दिन के समय गए, अब राहुल गांधी के सच्चे दिन के समय आ रहे हैं। आज मैं आपको आह्वान करने आया हूं, राहुल जी की सोच और विचारधारा, एक तरफ है 56 इंच का छाती, लेकिन ये देश 56 इंच के छाती से नहीं बनता, ये देश 56 इंच के दिल के आधार पर बनता है। तो आज मैं आपको आह्वान करने आया हूं कि राहुल जी की न्याय की योजना, जहां हर गरीब को न्यूनतम आय दी जाएगी,
में नहीं लेकिन महिला के खाते में डाला जाएगा महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए गौरी शर्मा जैसे प्रत्याशी को हमने आपके सामने खड़ा किया है। दूसरी तरफ जो आठ बार लोकसभा जीत के आई लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा सुमित्रा महाजन का टिकट काट के भाजपा ने उनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया। तो जिसकी कतनी और करनी में अंतर हो उसे आप पहचानो। और अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां किसान पूरी तरह से पस्त हो चुका है, प्रशासन भ्रष्ट हो चुकी है, कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, भाजपा के मंत्री पूर्ण रूप से मस्त हो चुके हैं। अगर इस वातावरण को बदलना है तो आपको जानना होगा, आपको उठना होगा। और यही पंक्तियों से मैं अंत करना चाहता हूं कि अगर आंधियों की जिद है, आंधियों की जिद है, जहां बिजलियां गिराने की आंधियों का जिद है, जहां बिजलियां गिराने की हमारा भी जिद है, वहीं आसिया बनाने की आंधियों का जिद है, जहां बिजलियां गिराने की हमारी भी जिद है, वही बनाने की। और असली असूलों पर अगर आ जाए, असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। गौरी को जिताकर संसद में भेजो। यहां जो जनरल पिछले पांच साल से एक उनको रास्ता दिखाकर महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर जाकर एक प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेजो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एक बार गोली।